हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आप सभी कैसे हो कमेंट में जरूर बताना। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और व्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी जी धो रहे हैं बर्तन, जो कि आपको पीछे दिख ही रहा होगा। बर्तन धोने के लिए लेके गए हैं किचन में, रोटी पानी बना दिया, मुस्कान लगा रहे कन्नू को भोग। तो और मम्मी जी बताओ, सुबह सुबह हवा चल रहा है, इतनी बढ़िया मस्त मौसम हुआ है और उसे टाइम सोने का जिक्र है। हाँ, तो अभी फिलहाल की गाइज रोटी राटी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। पानी भी नहीं, आज हमारे घर पे पानी भी लेके आना पड़ेगा। तो गाइस काम सारा कंप्लीट कर दिया है मैंने और मैं नहा भी ली हूँ, पूजा पाठ भी डन हो गई है और अभी बैठ गई हूँ अपनी सिलाई पे, क्योंकि काम आया हुआ था और काम करना कंप्लीट है। तो गाइस देख लो, बच्चे दो तो उठे, मुकुल तो अब उठा, मुकुल को तीन दिन से फिर बुखार है और गोलू ना तीसरी बार नहाने जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आज बता रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो गर्मी की वजह से नहीं है, तो बार बार मैंने पानी के डब्बे डालता रहा डालता रहा। तो गाइज मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, देखो मैंने थोड़ा काम शुरू किया मैंने, एक महीना हो जाएगा अब, दो चार दिन में। अगर कोई हमारे कांटेक्ट में है और किसी को भी जो सामान चाहिए, जैसे कपड़े सूट हो गए, चप्पलें हो गई, बाथरूम चप्पलें खरीदना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, तो आप ज़रूर से हमसे संपर्क करें। और आप इंस्टा आईडी पे कर सकते हो, मुस्कान की भी है एक्स्ट्रा आईडी और गोलू की भी है और मुकुल की भी है, आप इसके थ्रू हमसे बात कर सकते हो। तो गाइस इधर हमारे ठाकुर जी बैठे हैं क्योंकि इनको हम बाहर ले आए, अंदर से अंदर थी गर्मी ज्यादा। और मुकुल आज फिर से हो गया बीमार। हाँ हाँ को तो खांसी आते बिना उल्टी आ गई थी, तो इसको मना करने के बावजूद भी ना ये जो काम इसने करना होता मैं ये बोलूँ, पसीना आने के बाद मुकुल कदे भी नहीं नहाना चाहिए, वो हो गया। मैं नहीं नहाया, मैंने अब एक्सरसाइज भी करी है 5 दिन हो लिए। तो देख ले पीछे टेस्ट करवा के लाई थी ना सारे, और ये फिर कह देंगे टेस्ट करवा लो अगर बुखार नहीं उतरा तो। बुखार मतलब तो, बुखार तो होता ही नहीं, जुकाम और खांसी हो गई, बुखार था परसों रात को भी। आज मुकुल का ना जी बुखार होना, तो इसके साथ में पैरों में दर्द, हाथ में पेट में दर्द, फिर आज तो कल तो ये कह रहा था भी मम्मी हाथ भी दर्द कर रही है, तो पता नहीं इसको क्या होता क्या नहीं, पता ही नहीं लगता। हमने सारे टेस्ट करवा के देख लिए, कोई बीमारी भी नहीं आई है, और फिर भी बुखार कम से कम इसके 10 दिन तो नॉर्मली मान के चलो, 10 दिन के बाद थोड़ी रिकवरी करेगा, फिर उसके बाद फिर भी फिर नंबर आ जाए। तो इसका मैंने पता नहीं कहाँ से क्या कुछ करवाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। सारे टेस्ट करवा दिए थे पीछे मैंने, A to Z सारे टेस्ट करवाए। तो गाइस मुस्कान तो अपने फ्रेंड के पास गई है, उसको स्कूल का काम भी पूछना था, थोड़ा काम कंप्लीट हो गया तो थोड़ी देर वो यहाँ खेल लेती है साथ में ही घर हमारे। और गोलू को देखती हुआ कह रहा था मम्मी नहा रहा हूँ, तो पानी तो इधर देखो दिखा नहीं कहाँ नहा रहा है, मैं देख लेती हूँ। तो धूप देख लो कितनी भयानक है, आपको धूप में आते ही तो आँख बंद हो जाए। गोलू बाथरूम में आवाज नहीं आ रही, तो मन लगा वो पीने का घर बाज गया, कट्टा भी उठ गया ड्राम का। देख लो इसके काम। ओए यस, बहुत गलत बात है, गर्मी से जागी पानी में रहने से भी से हमारे नहीं से इतनी गर्मी। अच्छा ठीक है भाई। बाबा के दया ते लाडले माल खाया करा, बाबा की दया ते लाडले थप्पड़ खाया करा। आज मेरे कंधे में हो रही इंजरी, इसी कारण से मेरा 2 दिन का खाड़ा छूट गया, और ना मैं आज जब भी रेस्ट ले रहा हूँ इंजरी ठीक हो जाए थोड़ी। चेक करवा ली एक बार रेस्ट। तो गाइस देख लो आपको पता है धूप बहुत ज्यादा हो रही है, और आप इसको बताना भी ज्यादातर पानी में रहने से भी बीमार होते है। नहीं होते तो कल आपको कमेंट में पता लग जाएगा, पढ़ लेना कमेंट। तो गाइस आप कमेंट में इसको समझाना थोड़ा सा भी ज्यादातर पानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं और मुस्कान बना रही है, इधर देखो कोई तो सवेरे बनाया करा रही है, शाम को बना रही है चावल के परांठे। चावल खराब हो जाते हैं वैसे खा लेंगे, और ना मुकुल की तबीयत हो रही है ज्यादा खराब, जमा खांसी में बुखार में जमा ठप हो गया मुकुल। मुकुल दवाई ले ले बेटा, अली थी दीदी से पूछ लो। तो गाइस जिसको तो मैं सुबह भी बता रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, 1 मिनट में बीमार 1 मिनट में ठीक। और इधर मैं देख लो इस पर्दे का ना दिखा, ये मुकलिए वाला फ्रिज का कवर सील रही थी, वो देख वो सील रखा तेरे पीछे पड़ा, वो ये तो पीस है। तो मैंने ये फ्रिज का कवर सिला है, तो अभी डाल के देखेंगे भाई फिट आ जाएगा या छोटा है बड़ा है, वो डाल के दिखाना है, फिर उसके बाद ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज आपको ना जैसे जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, छोटी मोटी बड़ा छोटा जो भी कुछ ब्लॉग बनेगा, हम आपको डेली ब्लॉग दिखाया करेंगे, हम किसी के दबाव में आकर ब्लॉग बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, जो हमारा काम हम करते रहेंगे,
किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मुकल का चढ़ रहा ज्यादा बुखार, पट्टी रखू क्या मुकल? उड़न देख मेरे कहानी बाल बाल दिखावा तू तो तेरे पट्टी रखू जम्मा कुछ हो गया।